बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन सिस्टम ऑफ हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बाय इन्वर्शन मेथड। यूज़ द मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 2x2 को इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था, तो आज हम 3x3 मैट्रिसेस को हमने इन्वर्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपके पास पार्ट है x-2y + z = -1, 3x + y - 2z = 4, y - z = 1, आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड यानी बाय इन्वर्शन मेथड से। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 1-2, 1-3, 1-2, 0-1, -1, क्योंकि x नहीं है तीसरी इक्वेशन में, तो इसलिए हमारा वो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो आपकी जो मैट्रिक्स ए बनती है वो बनती है 1-2, 1-3, 1-2, 0-1, -1। तो सबसे पहला काम ये करना होता है, आपने उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो आपको पता ही है। हमने लास्ट वीडियो में हमने मतलब उसको सॉल्व किया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें पहला एलिमेंट 1 है, तो उसका माइनर जो निकलेगा वो 1-2, 1-1, फिर -3, यानी हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फिर -3, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम डिलीट कर दें, तो उसका जो माइनर आएगा वो -2, 1, 1, -1 आएगा, और तीसरा एलिमेंट ही 0 है, तो हमारे इस वजह से वो माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट उसको सिंप्लीफाई किया, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया है वो -2 आया, जो कि नॉन ज़ीरो है। जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, अब आप उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लें। एडजॉइंट उन्होंने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तो एडजॉइंट का बेसिकली 3x3 में फार्मूला ये होता है कि आपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपने उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। तो उन्होंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, देखें ये एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर ये उन्होंने जो 2x2 की मैट्रिसेस बनाई हुई हैं, ये उन्होंने कोफैक्टर्स कैलकुलेट हुए हैं। तो कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने वैल्यू जो कैलकुलेट की हैं वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की ये आई हैं, यानी 1-1, 3, 3-1, 5, 3-1, 7। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो डिटर्मिनेंट का इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दिया, तो आपका ये इन्वर्स आ गया। तो एक्स का फार्मूला आपके पास होता है ए इन्वर्स बी। तो बी आपको दिया हुआ है उन्होंने -1, 4, 1, क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर तो होमोजीनियस सिस्टम होता और ए नॉन सिंगुलर होता, तो इसका आंसर हमेशा ट्रिवियल आता, यानी 0, 0, 0 आ जाता, क्योंकि हम जब किसी भी मैट्रिक्स को 0, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये बी दिया हुआ उन्होंने, तो आपने बी से इसको मल्टीप्लाई कर देना और 1/2 से भी मल्टीप्लाई बाद में कर देना, तो आपका एक्स वाई जेड जो है वो 1, 1, 0 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 3x3 को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने 2x2 से सिस्टम को इन्वर्शन मेथड से सॉल्व किया था, तो 3x3 का मेथड भी वही है। तो आप ये इसी तरह के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर लें। सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, अगर वो नॉन जीरो आता है तो देन उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें। तो जब एडजॉइंट कैलकुलेट हो गया, तो फिर इन्वर्स निकाल के इन्वर्शन फार्मूले में यानी x = a inverse b में पुट कर दें, तो आपके पास वहाँ से उसकी x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। Thank you very much.